नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल क्या है आपको पहले टाइटल बता देते हैं। लंबित परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए होगा अध्याचन। खासकर कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था सर कि नया विज्ञापन यानी नई भर्ती कब आने वाली है इस आयोग के माध्यम से, यानी यूपीटी, जीटीपीजीटी और हायर के बारे में, एलटी ग्रेड के अतिरिक्त आप जानना चाह रहे थे और आज उसी के बारे में ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका टाइटल आपको बता दिया कि लंबित परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए होगा अध्याचन। बड़ी संख्या में खाली हैं यूपीटी, जीटीपीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी कि जो पद खाली हुए हैं मार्च 2024 में या जून 2024 तक, उन पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ दिया जाए, यानी 2022 के डिजिटी पीजीटी और या असिस्टेंट प्रोफेसर के 2022 के विज्ञापन में जोड़ दिया जाए, ताकि पदों की संख्या बढ़ सके और कंपटीशन थोड़ा आसान हो सके। उससे ही संबंधित न्यूज है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ये आपके अध्याचन आयोग को इस लंबित परीक्षा होने के बाद भेजेगा। वही न्यूज है, इसमें लिखा है प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित परीक्षा के निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्याचन भेजा जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात नहीं कर रहा है, इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए भी वही बात है, आगे लिखा है, सब कुछ आपको बताते भी हैं। रिक्त हुए नए पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को भेजा जाना है। जून 2024 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों की मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2017 के पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों को पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। ठीक, जो नए पद रिक्त हैं, ये आप लोगों की डिमांड है कि इसे पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अब यह फैसला आयोग का करना है कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को शामिल किया जाना है या नहीं, यानी अब ये नया आयोग करेगा। फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। आयोग में अब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि परीक्षा में जुड़े नैतिक, नीतिगत व नैतिक निर्णय अध्यक्ष ही लेते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय को नए पदों का अध्याचन मांगा जाता है तो निदेशालय अध्याचन भेजेगा, और यदि आयोग 1017 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराता है तो निदेशालय तभी अध्याचन भेजेगा जब पुरानी भर्ती परीक्षा करा दी जाएगी। यानी अगर आयोग चाहे तो इनको मांग सकता है, पुरानी भर्ती में शामिल कर सकता है, लेकिन आयोग इसकी मूड में नहीं है। वो निदेशालय का कहना है कि अगर इस परीक्षा को करा लें, इसके पश्चात अगर आयोग कहेगा तभी हम, जब आयोग मांगेगा तभी हम अध्याचन उसे भेजेंगे। ओवरऑल ये है, ठीक यही स्थिति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए है। उसमें भी काफ़ी पद रिक्त हुए हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि इन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए, लेकिन ये सभी पद अब नए अध्याचन के रूप में, नए विज्ञापन के रूप में इस परीक्षा के पूर्ण होने के बाद ही आएंगे। तो समझ लीजिए ये दोनों न्यूज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो न्यूज़ का सारांश है और जो निदेशालय का कहना है, उसके अनुसार आपके जो भी नए विज्ञापन है, इन दोनों परीक्षाओं यानी सीजीपीजीटी और हायर की परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद ही अध्याचन भेजे जाएंगे, तब ये विज्ञापन आएगा। इसलिए नया विज्ञापन यूपीटी, जीटीपीजीटी या हायर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपका 2025 में आने की संभावना, इसके पहले कोई संभावना नहीं है। रही बात परीक्षा की, आप लोग कल पूछ रहे थे परीक्षा की, सर परीक्षा की डेट बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। परीक्षा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट सितंबर या अक्टूबर की तरफ जाएगी, और डिग्री इसकी टीजीटी पीजीटी की आपकी परीक्षा समझ लीजिए अक्टूबर या नवंबर की तरफ जाने की संभावना है प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि डिले होता जा रहा है, बहुत सक्रियता से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सचिव जी का तो आपने नाम सुन लिया है कि सचिव एक जिलाधिकारी बनायु की है, शायद उनको बनाया गया है सचिव, और बाकी अन्य पद अभी अध्यक्ष जी का नियुक्ति नहीं है, और इसके अतिरिक्त वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, इन सब की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसमें थोड़ा समय लगने वाला है ऐसा लग रहा है, तो जैसे जैसे नियुक्त हो जाएगी तब ये काम आगे बढ़ पाएगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से आप ये मान के चलिए कि आपका अक्टूबर नवंबर की तरफ परीक्षा जाने की संभावना लग रही है टीजीटी पीजीटी की।
चलिए अगर कोई अपडेट होगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।